तो हम लोग का खरना संपन्न हो गया है, साँझ घाट का सुबह है। तो मैं देखिए यहाँ पर फ्रेश होकर के आम का जो दातुन है तो यही तो मैं तोड़ती हूँ। सबसे पहले आज आम का दातुन से दातुन करूँगी, उसके बाद ही निहा धोकर जल्दी जल्दी से मैं पूजा की तरफ आप लोग को ले चलती हूँ। क्या क्या बनेगा सो दिखाती हूँ। चलिए पहले आम का दातुन से मैं कर लेती हूँ। यहाँ पर देखिए तो तीन दिन तक हम लोग आम का दातुन ही करते हैं। चलिए इधर चूल्हा जला लिए, इधर ये गेहूँ का आटा में ये घी को डाल रहे हैं और उधर मीठा को घोल करके गर्म पानी में थोड़ा सा घोल देने से छान देने से ना कचकच वगैरह नहीं रहता। और देखिए ये घी डाल करके मैं गेहूँ का आटा के खजूरिए का आटा मल रही हूँ। यहाँ पर मिट्टी का नया चूल्हा से आँच ही तुरंत बंद हो जाता है। हम लोग के लिए स्पेशल छठ में दो ठो मिट्टी का चूल्हा बनता है। तो एक ठो चूल्हा से खरना का बनता है, एक ठो से आज साँझ अर्घ का प्रसाद बनेगा। तो देखिए सारे गुड़ को कपड़ा से छान लियो और ये मिक्सर में यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स, लौंग, इलायची, दालचीनी मसाला वगैरह जो होता है तो सारे को मिक्सर में पीस करके इस तरह से खजूरी का आटा इसमें मैं डाल दी हूँ। ये देखिए ये चावल गमरी का चावल का आटा है। तो यहाँ पर भी मैं वही ड्राई फ्रूट्स और लौंग इलायची जो मसाला है उसको डाल करके और ये चीनी गुड़ का चाशनी बनाई हूँ उसको भी ये चावल का आटा में डाल दी हूँ। और चलिए अब इसका मैं लड्डू बना लेती हूँ जल्दी जल्दी। और इधर खजुरिया में भी मैं ये गुड़ का पानी उसको भी डाल दी और इस तरह से मिला करके मैं इधर खजुरिया का आटा का भी गोली बना लेती हूँ। तो यहाँ पर सभी आदमी मिल करके आज बोले हैं कि ऐसे सभी को प्रसाद बनाना पड़ेगा। तो सभी आदमी यहाँ करके जल्दी जल्दी आइए, थोड़ा थोड़ा देर भी आप लोग भी बना लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सभी आदमी मिल करके खजुरिया बना रहे हैं, कोई ठोक रहे हैं, बच्चा लोग को भी बोल रहे हैं, बेटा बेटी को भी बोले कि आ जाओ, तू लोग भी आ जाओ, कभी नहीं रहता। तो मेरा बेटा बोलता है कैमरा बंद कीजिए नहीं तो मैं चला जाऊँगा। फिर अपना हस्बैंड को बुलाया तो मेरा बच्चा लोग बोलता है कि मम्मी डैडी से भी बनवाइएगा, हम लोग सभी, हम बोले आज सभी लोग बनाएंगे। तो मामा जी को कहाँ बोले, हम कहते देखिए ना मामा जी को भी बुलाते, तो मेरा छोटा भाई भी आया उसको भी बुलाया। तो यहाँ पर सभी आदमी मिलकर हम जल्दी से खजुरिया बनाए। तो कच्चा मिट्टी का चूल्हा रहता है ना, उसे बीच बीच में ना आँच बंद हो जाता जिससे धुआं धुआं घर में भर गया था और उसके बाद लाइन भी बीच बीच में कट जाता था तो इसलिए धुंधला धुंधला आ रहा है। लेकिन हम लोग जल्दी जल्दी बनाए खजुरिया, कहे कि हम लोग का तीन आदमी का छोट होता है, मेरा, मेरा मम्मी का और मेरी छोटी बहन का, तो बहुत अर्घ होता है। तो हम लोग सभी और आदमी को बुलाया और मैं जल्दी जल्दी जो ये गुड़ का गेहूँ का आटा को जो अर्घ पर का खजुरिया सो मैं जल्दी से बनाकर मैं चली गई। और फिर ये लोग बोले कि आप लोग मैदा का बनाइए तब तक, और सारे खजुरिया लेकर यहाँ मैं आ गई। और देखिए दोनों बहन जल्दी से, मैं यहाँ पिठार भी पीस ली थी मिक्सर में और पानी डाल करके यहाँ सारे बर्तन में जिस चीज़ में छठ होगा तो मैं यहाँ पर पिठार लगा रही हूँ और मेरी छोटी बहन यहाँ पर सिंदूर लगा रही है, क्या कि आप डाला सही देंगे। तो देखिए आज हम लोग छठ है, छठ का सारा तैयारी कर रहे हैं। देखिए तो देखिए इस तरह से सारा डाला को यहाँ पर सहित लिए हैं, केला ऊख फल फूल जितना था समय सिंदूर पिठार लगा दिए। अब लास्ट में देखिए पांच ठोके खजूरी और पांच ठोके लड्डू डालेंगे। तो मैं थोड़ा थोड़ा झलक दिखाती हूँ। तो सब में सिंदूर लगा करके इस तरह से पीपा सिंदूर लगा करके सारे अर्घ में मैं डाल देती हूँ और सारे जो जिस जो ढकिया वगैरह है सब में खाली कोई चीज़ नहीं जाएगा तो सब में मैं डाल देती हूँ। मैं कुर्मी वगैरह में भी डाल दी, मैं नहीं दिखा सकी हूँ कहे कि हम लोग को लेट हो रहा था। तो डैडी गुस्सा रहे थे कि सभी आदमी का डाला चला गया, जल्दी जल्दी करो, जल्दी सहित कर डाला को पहले निकालो। तो हम लोग डाला को सहित कर निकाल दिए। उसके बाद फिर हम कपड़ा चेंज किए, जो खरना में रात में पहने थे वही कपड़ा पहने। तो मम्मी बोली कि पहले कुल देवता को प्रणाम करो उसके बाद निकलना। तो यहाँ पर मम्मी चली गई थी तो हम लोग पीछे से गए। तो यहाँ पर मम्मी दीप वगैरह जला दी थी कुल देवता के पास, तो हम लोग प्रणाम वगैरह किए। और देखिए मेरी बेटी पाँव भी रंग दी थी कितना सुंदर। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ छठ घाट पर चलिए। देखिए मैके का मेन गेट है तो मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी है। तो मेरा बेटा बोला कि चलिए मम्मी जल्दी से पहले गाड़ी से आपको छोड़ देते हैं फिर मामी जी लोग को बाद में ले जाएंगे, कहे कि टाइम 3:30 हो गया था तो इसीलिए हम लोग यहाँ से निकल गए। चलिए देखिए अब घाट का झलक दिखाते हैं, मैं म्यूट नहीं की हूँ वहाँ का, आपको आवाज़ और झलक आपको दिखाएंगे। तो देखिए मैं घाट पर आ गई। मैके में छठ बहुत अच्छा से होता है, मैं जब भी मैके में ही अभी तक की हूँ। देखिए यहाँ पर हम लोग आ गए हैं। तो यहाँ पर जब तक हम आए थे सारे महिला लोग आ गए थे, सभी लोग बोलते कि कैसे आपको सब दिन लेट हो जाता है। हम कहे देखिए हम लोग को ज़्यादा अर्घ होता है इसीलिए लेट हो जाता है। तो देखिए मम्मी आकर बैठी है तो मेरा बेटा बोलता कि आप तीनों आदमी का जाइए तो फोटो क्लिक करते हैं। तो एक आध ठो फोटो वोटो लेने के बाद फिर हम लोग चले गए गंगा जी में स्नान करने। देखिए
नदी में पानी बहुत कम था तो मैं सब चल जाती हूँ ना, तो मैं बैठ कर ही स्नान करती हूँ। तो देखिए इस तरह से हम लोग गए, डुबकी लगा ले किसी तरह आगे से, उसके बाद चलिए। इस तरह से हम लोग सभी आदमी साँझ अर्घ दे दिए, शाम हो चुका था। तो देखिए thank you.
तरह से फिर गंगा जी में स्नान करने लगी। अच्छा लग रहा था गंगा जी में स्नान करने में, पानी कम था तो यहाँ पर सो करके मैं स्नान कर ली। उसके बाद कपड़ा उपड़ा चेंज करके फिर साँझ हो गया तो यहाँ पर मैं दीप वगैरह सारे कलश में जितना अर्घ है सब पर दीप दोनों बहन मिल करके मैं यहाँ पर दीप वगैरह जला ली। तो यहाँ पर जितने अर्घ है ये कुर्मी हो गया जितने केला का और सारे चीज़ पर यहाँ पर दीप जलाना पड़ता है, चौमुख दीप दीप। तो हम लोग यहाँ पर शाम पड़ने पर सारे पर दीप जला दिए। देखिए कितना सुंदर लगता है देखने में ना, तो बहुत ही अच्छा छठ पर्व में कुछ अलग ही खासियत है। ये पूरे परिवार मिलकर मनाते हैं तो अच्छा लगता है, अकेले तो संभव नहीं है। तो देखिए कितना सुंदर से छठ लगता है ना देखने में। तो आप लोग जहाँ से हैं वहीं से छठी माता से आशीर्वाद लीजिए, आप लोग भी प्रणाम कीजिए छठी माता को देखिए। तो हमको बाज़ार से ना छठ थोड़ा देहात का ही अच्छा लगता रहता है, बाज़ार में भीड़ भाड़ थोड़ा ज़्यादा हो जाता रहता तो उतना अच्छा नहीं लगता रहता है। तो इस तरह से देखिए अब शाम हो गया तो हम साँझ वगैरह दे देंगे, उसके बाद सभी बच्चा लोग ये लोग घर चले जाएंगे, हम लोग तो थोड़ा देर रुकेंगे गंगा आरती। तो गंगा आरती करने के बाद फिर हम लोग संध्या भजन गाएंगे, सब महिला लोग छठी माता का गाना वगैरह गाएंगे, थोड़ा सा प्रणाम वगैरह करेंगे तो हम लोग तो रुकना पड़ेगा थोड़ा देर। पहले तो हाथ उठने के बाद सांझ में इस टाइम में घर ले जाया जाता था डाला को, लेकिन अब तो रात तक यहीं रहता है। तो मेरा छठ स्पेशल सांझ अर्घ का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगा। ओम शांति, हैप्पी छठ।